प्राइवेट स्कूल वेलफेयर चिल्ड्रेन एसोसिएशन पूर्णिया द्वारा 29 अगस्त को पूर्णिया में एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार शिक्षा ई पोर्टल से संबंधित जानकारियां शेयर की जाएंगी। इसमें स्कूल चलाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन तो रहेगा ही, साथ ही स्कूल प्रशासन भी स्कूल द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारियाँ ई पोर्टल पर शेयर करेंगे। ई पोर्टल पर स्कूल का रजिस्ट्रेशन के साथ साथ तमाम जानकारियाँ रहेंगी, जिसे लोग कभी भी देख सकते हैं। इसकी जानकारी संस्था के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सिन्हा ने दी है। बिहार सरकार का एक ई संबंधन पोर्टल लॉन्च हुआ है, उसी के आलोक में हम लोग आज की बैठक रखे हैं। आज के बैठक में हम लोग ई संबंधन पे एक बृहत कार्यशाला का आयोजन करेंगे। कार्यशाला का आयोजन हम लोग किसी होटल में करेंगे। ये हम लोग 29 अगस्त को रविवार को 10 बजे से रखेंगे। नहीं, ये आपका सुबह 10 बजे शुरू होगी, 3-4 बजे ख़त्म हो जाएगी। सरकार का एक है कि शायद वो वैसे वैसे विद्यालय को चिन्हित करना चाह रहे हैं पूरे बिहार में, जो किसी तरह से चला रहे हैं, 2 रूम में चला रहे हैं, जो पैरामीटर है उसको नहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चनायर है, उसमें करीब 20-25-30 पेज का पूरा, टीचर आपके टेक्निकली हैं कि नहीं, डीएलएड हैं, बीएड हैं, जो आपका सिलेबस कौन सा है, कहाँ तक पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उसके बाद उसमें आपका जो आय व्यय है, ऑडिट रिपोर्ट है, ये सारा उसमें हम लोग को अपलोड करना है। सरकार के पास जाएगी, कितने बच्चे हैं, वो सारा डिटेल्स में उनको हम लोग, अब सरकार जो पहले ऑफलाइन करते थे हम लोग यूडाइस में, अब उसको कर दिया उन्होंने ऑनलाइन। अब जो जिनको प्रस्वीकृति मिल गई है वो लोग डालेंगे, उनका डेट है 31 सितंबर। अच्छा, स्कूल जो आएंगे ये पूर्णिया के स्कूल होंगे या प्रबंधक के, आप प्रबंधक प्रभारी मिला? जी हाँ, हमारा अभी ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है पूर्णिया से। पूर्णिया करेंगे, कटिहार करेंगे, किशनगंज करेंगे, अररिया करेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जिले में, एक साथ संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ क्यों आएंगे, वहीं कर देंगे जाके, फिर किशनगंज में कर देंगे, कटिहार में कर देंगे। संख्या कितनी है, कितने स्कूल इसमें सम्मिलित हैं? हम लोग जो अभी अनुमानित कर रहे हैं, जो लास्ट वर्कशॉप किए थे तो करीब 100 से ऊपर थे, 160 थे। तो आज जो हम लोग अगला करने जा रहे हैं, तो हम लोग इसको 2-3 चरण में करेंगे।